हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ गुलनार. आज की वीडियो में मैंने ये वाला लुक जो है वो इसका ट्यूटोरियल किया है और साथ ही साथ आई हैव डन सम चिट चैट. तो उसमें मैंने बताया कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया, अपने बारे में थोड़े से बताया है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. इफ़ यू If you are interested कि मैंने ये look कैसे किया है तो you can keep on watching. ठीक है, बहुत ही affordable products use किए हैं. Plus इस look के लिए कोई भी foundation use नहीं किया मैंने, बहुत ही affordable products हैं, so that you can recreate this. ठीक है, affordable products में. And also ये मेरी पहली वीडियो है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है. टेक्निकली मेरी वीडियो जो है वो ऑफ हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड उस चीज़. ऑन टुवर्ड्स द वीडियो राइट नाउ. ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर ली है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फाउंडेशन. वैसे स्टेप प्राइमर का होता है लेकिन हम प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमर के बारे में एक छोटी सी चीज़ बताती चलूँ. व्हेन यू आर यूजिंग प्राइमर तो बेसिकली उससे क्या होता है कि आप अपने पोर्स को क्लॉक कर रहे होते हैं, अपने पोर्स को बंद कर रहे होते हैं ताकि आपका फाउंडेशन जो है एक सरफेस पर सेट हो जाए. तो दैट मीन्स कॉमन सेंस लग रहा है कि आप अपने पोर्स को क्लॉक कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर यूजिंग प्राइमर ऑन अ डेली बेसिस देन आपको पिंपल एक्नी होना मस्त है, तो डू नॉट यूज़ इट. तो मैंने अभी जो है वो मॉइस्चराइज कर ली है स्किन. आई एम मूविंग टूवर्ड्स द फाउंडेशन. फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे, डेली वेयर का मेकअप है, एवरी डे ग्लैम है. तो आई एम यूजिंग बीबी क्रीम इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन. एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लें या ब्रश यूज़ करते हैं तो ब्रश यूज़ कर लें. एंड टैबिंग मोशन, बस इसको ब्लेंड करना है फेस पे लाइक यू ऑलवेज डू गर्ल्स. बस मैं भी इसी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ. डोंट फॉरगेट योर नेक. इट्स अ बीबी क्रीम तो अगर आप चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू इन दैट टू. 2020 is started and मेरा 2020 बहुत बेकार जा रहा है. उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी बेकार जा रहा होगा, क्योंकि सबका बेकार जा रहा है. आई डोंट नो, मैंने जिनसे भी पूछा है नो वन इज सेइंग गुड थिंग्स अबाउट 2020. हाँ, हो सकता है मेरे इर्द गिर्द लोग नेगेटिव हो. दैट्स ऑलराइट. On to concealer. Concealer के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर. स्पॉट्स हैं या जो भी है. वो इससे कंसील हो जाएंगे. थोड़ी देर मैं अपने कंसीलर को एज इट इज रखती हूँ ताकि थोड़ी सी कवरेज बिल्ड हो जाए. एंड देन उसके बाद आई जस्ट डू ब्लेंडिंग. तो अपने बारे में बताती चलूँ, 2020 क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि माई यूनिवर्सिटी वाले आर सो ग्रेट. लाइक आई हैव थॉट दैट जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, फिर नया नया साल होगा, मैं अच्छी अच्छी पढ़ाई करूँगी. लेकिन साल के शुरू में दे गए बस सेमेस्टर ब्रेक. ठीक है, तो कंसीलर और बीबी क्रीम मैंने सही से ब्लेंड कर ली है. तो अब बारी है सेट करने की. तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास हो, वो ये कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ ये इस तरह कुछ आता है तो मैं उसी से देखती हूँ. दैट वर्क्स. ठीक है, इट वॉजंट वर्किंग तो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट कर रही हूँ फेस. ये पार्ट से यूज करके देखते हैं. इट्स वेरी बैड फॉर मी, इसकी खराब हो गया. फॉर आईज आई एम यूजिंग हुदा, इट्स नॉट हुदा, इट्स मिस रोज का न्यूड पैलेट. और आई एम यूजिंग दिस शेड राइट ओवर हियर, टेडी. इसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी मैं. तो बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाहते होंगे कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया. तो मैंने YouTube इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि
स्टार्ट किया है. तो कुछ लोग YouTube इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक YouTube एज देयर कैरियर्स, दे वॉन्टेड टू मेक मनी आउट ऑफ YouTube, या दे वॉन्टेड टू हैव फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. तो मेरा सीन कुछ ऐसा नहीं है बिकॉज चूँकि मेकअप इज़ समथिंग कि जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ या यू नो कुछ चीज़ें लाइफ में जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं होती है तो पीपल गेट स्ट्रेस्ड आउट, पीपल गेट अनॉयड. तो मेरे साथ भी कुछ लेटली ऐसे ही हुआ. तो इसलिए देर वॉज ओनली वन थिंग जो मुझे यू नो थोड़ा सा रिलीफ्ड देती थी, दैट इज़ मेकअप. और यूट्यूब पे मेकअप ट्यूटोरियल्स करना वॉज माई ड्रीम. तो मतलब मेरा 2017 का मेरा गोल था कि मुझे YouTube स्टार्ट करना, और अभी 2020 हो गया तो फॉर लाइक अबाउट 3 ईयर्स नाउ मैं 2017 का गोल 2020 में कंप्लीट कर रही हूँ. तो ये आई एम डूइंग YouTube बिकॉज टू डील विद माई स्ट्रेस. तो थोड़ा सा क्रीज को डार्क करने के लिए आई एम यूजिंग दिस शेड ट्राइड ओवर हियर, इट्स कॉल्ड रॉ. तो क्रीज में हम थोड़ा सा उसको डार्कन अप करेंगे ताकि थोड़ा सा डायमेंशन आ जाए, एंड देन वी विल ब्लेंड. ओके सो आईज आर कंप्लीटेड. मैंने थोड़ा एक शिमर शेड जो है वो सेंटर पे लगाया है तो इट लुक्स लाइक दिस. थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्श लग रहा है. ओके सो मूविंग ऑन टू दी ब्राउनसिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस फ्लैट लग रहा है तो थोड़ा सा ब्राउन्स लुक आएगा तो थोड़े से डायमेंशन मिल जाएगा. ब्राउनसिंग के लिए इस तरह का कोई ब्रश आप ले सकते हैं, ठीक है. तो यू कैन डू ब्राउनसिंग इन अ सर्कुलर मोशन. ब्राउनसिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में होती है. कॉन्टोरिंग इज़ लाइक दिस एंड ब्राउनसिंग इज़ लाइक दिस. तो यूनिवर्सिटी के अलावा आई ऑल्सो डू अ जॉब, इट्स एन 8 आवर जॉब, बेसिकली ऑनलाइन जॉब है, सही है. तो मतलब लिटरली लाइक फेस वॉश, ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेसेस सब मैं अपने मनी से लेती हूँ, सही है. सो या आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है, या आप मुझे कोई गलत वे में नहीं लीजिएगा. मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू मोटिवेट यू ऑल, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटी छोटी उम्र में दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट देयर फैमिली. ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट, आई गेस यूर गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट. मैं नोज भी कॉन्ट्रोल करती हूँ यूजुअली, क्योंकि मेरी नोज को कॉन्ट्रोल की ज़रूरत है. तो आई डू कॉन्ट्रोलिंग ऑन माई नोज टू. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ब्लश, हल्का सा थोड़ा सा रोजी टच देने के लिए फेस को, हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड देन अप्लाई ब्लश. ऑन योर नोज एंड योर चिन एंड यू आर गुड टू गो.
like this look and if you like me as a person, personality अच्छी लगी तो please 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 like my video, share करें, subscribe करें मेरे channel को और क्या करते हैं और क्या होता है YouTube पर नए नए लोग आए YouTube पे okay बस अल्लाह हाफिज़.